वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स का अपना फर्स्ट फिजिक्स चल रही है। ठीक है, अपने दो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट वाला और सेकंड मोशन इन ए लाइन वाला। अब जो फोर्थ चैप्टर अपना सीरीज वाइज जो अपना फोर्थ चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मोशन इन ए प्लेन का फर्स्ट लेक्चर आज अपना। ठीक है, तो मोशन इन ए लाइन देखा था तो उसके अंदर देखा था कि कोई एक सीधा वेक्टर, एक वेक्टर एक डायमेंशन की बात कर रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक डायमेंशन के अंदर मूव करता है। ठीक है, इस टाइप से अपन देखा था। अब जब मोशन इन ए प्लेन की बात करते हैं तो बहुत सारे वेक्टर होंगे उसके अंदर, उन वेक्टर्स का रिजल्टेट निकालना, उन वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, और जब उनको ऐड किया और उनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ये अपनी जो नेचुरल जितने फिनोमिना है जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है, और चीज़ें होगी उनके अंदर अपन अप्लाई करेंगे कि वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन मोशन इन ए प्लेन के लिए। सबसे पहली बात आते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था, जो अपना पहला ही चैप्टर था उसके अंदर, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि नेचर के अंदर बहुत सारी फिनोमिनाज होते हैं। ठीक है, उन फिनोमिनाज को डिस्क्राइब करने के लिए लॉ बनते हैं, उन लॉ को स्टेट करने के लिए कुछ टर्म की ज़रूरी होती है, वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट है, लॉ बनाया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कि सेकेंड लॉ बताया कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब वहाँ पर जो मोमेंटम है उसको शो कैसे करेंगे, उसको शो करेंगे फिजिकल क्वांटिटी पी से, जो मोमेंटम है जिसकी वैल्यू होती है एम डॉट वी। ये सारी क्या है, मास, मोमेंटम, नाम क्या लिया, सिर्फ मोमेंटम। डिस्क्राइब किन चीज़ों से होती है, वेलोसिटी और मास से। नाम तो सिर्फ मोमेंटम लिया, मोमेंटम बना किससे है, मास और वेलोसिटी। तो इनका जब फॉर्मूला बनाएंगे तो जो चीज़ें ज़रूरी होती है उनको क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। यानी नेचर के फिनोमिनाज को डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिन जो होती है इस टाइप से एन क्रॉस यू, जहाँ पे एन होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और यू होती है उसकी यूनिट। लाइक अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मेरे को बोला जाए 5 किलो की, कोई मास की बात की जाए तो मास क्या है अपनी फिजिकल क्वांटिटी, तो मास को किससे रिप्रेजेंट करूँगा, मान लो मास है 5 kg, जहाँ पे 5 उसकी क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, kg उसका क्या है यूनिट है, kg क्या काम कर रहा है, kg बेस दे रहा है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए यूनिट की बहुत ज़रूरी होती है। क्यों होती है, क्योंकि यूनिट एक बेस का काम करता है। अपन उसके ये बताते हैं कि 1 किलो के 5 गुना मल्टीपल में जब किया तो 5 किलो बना, तो बेस कौन था 1 किलो, उसका 5 टाइम मल्टीपल 5 kg बना। ठीक है, आगे समझो। लेकिन बात कहाँ आती है कि जब इस टाइप से इसके अंदर अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दी जाती है, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं बताई जाती, तो बोला गया कि हर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है वो इस फॉर्मूले से डिस्क्राइब नहीं होगी। हाँ, ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ और ऐड करना होगा डायरेक्शन, तब बोलेंगे कि सारी फिजिकल क्वांटिटी है वो आ जाती है। फिर भी सारी नहीं आती, एक दो रह जाती है जो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं बता रहे। जैसे अपन बात करते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी होगी अपने पास, दो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्टेंस आपको पता है एक्चुअल पाथ लेंथ, कि जिस पाथ के अकॉर्डिंग अपन गए हैं उस पूरे पाथ की लेंथ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या था भाई, शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती थी या शॉर्टेस्ट लेंथ होती थी वो क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फ्रॉम लिखोगे, बिटवीन नहीं लिखोगे, क्योंकि फ्रॉम बताता है कि कहाँ से कहाँ है, बिटवीन तो मतलब कहीं से भी नाप सकते हो, फाइनल से भी नाप सकते हो, इनिशियल से भी, लेकिन फ्रॉम बताते हैं कि आपको इनिशियल से फाइनल जाना है, तो इनिशियल से फाइनल तक आपको मेजरमेंट लेनी है, फाइनल से इनिशियल नहीं।
क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ठीक है, ये था। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, इस पाथ के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो किसी पाथ के, बताने की जरूरत नहीं है वैसे आपको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आता है आपको ना, बताया वो भी पीछे वाले लेक्चर के अंदर। तो इसमें टाइम वेस्ट मत के करने से अच्छा है कि आपको पता है कि डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस एक टोटल पाथ लेंथ, जैसे 4 मीटर यहाँ पे गया ए से बी, 3 मीटर इस साइड गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 7 मीटर। और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक का लेंथ, तो ये कितनी आएगी भी, 5 मीटर। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा और उसके इक्वल होगा। तो यानी सारी फिजिकल क्वांटिटी है वो एन मल्टीप्लाई यू से नहीं दिखाई जा सकती, कुछ के अंदर डायरेक्शन का रोल होता है, वो डायरेक्शन का रोल बताना पड़ता है। इस बेस के ऊपर फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में बांटा गया है, वो 2 पार्ट कौन से, अभी वो 2 पार्ट है स्केलर और वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्या होती है भाई, जिसके पास ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, या बोल सकते हो मैग्नीट्यूड हो, न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड हो, वो होती है कौन, स्केलर। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसकी यूनिट हो, यूनिट तो दोनों में होगी। ठीक है, यानी स्केलर है वो न्यूमेरिकल वैल्यू से बताई जा सकती है, जैसे मास 5 किलो है तो उसके अंदर सिर्फ अपने को यूनिट और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आगे समझे। अब बोले वेक्टर, वेक्टर में क्या क्या चीज़ें होती है, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड होता है। सेकंड बोलता है कि डायरेक्शन होती है, जैसे बोला जाए कि कोई गाड़ी है उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड या 60 किलोमीटर पर आवर कुछ भी है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, जब तक अपन डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक वो वेलोसिटी नहीं क्या होगी, स्पीड होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, है ना। तो जब तक अपने को वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं पता तब तक अपन उसको डिफाइन नहीं कर सकते, तब तक वो क्या होगी, स्पीड होगी। जब तक अपने को सिर्फ ये बोला ना 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये वेलोसिटी नहीं, ये क्या है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, या क्या बोल सकते हैं इसको, स्पीड है। और जब ये स्पीड है तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब मैं बोलूँ 16 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, ईस्ट के अंदर है, तब ये क्या बनी हुई, वेलोसिटी बन गई। ठीक है, वेलोसिटी का मतलब होता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर डायरेक्शन जरूरी है। तीसरा है ओबेज वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, देखो भी क्या होता है, कि अगर ऑब्जेक्ट है कोई ए ऑब्जेक्ट, वो 10 मीटर जाता है इस साइड, बी तक पहुंचा, बी से वापस चला वो 8 मीटर आया, तो ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, अभी उसने कितना कवर किया, 18 मीटर। ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो 10 तो आगे गया है, 8 क्या है, पीछे इस सी पोजीशन पे, तो ए से सी तक इसी पाथ के ऊपर आ रहा है वो। ठीक है, एक ही पाथ के ऊपर 10 आगे गया, 8 पीछे है, तो पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, अभी 2 मीटर है। यानी जब 10 को और 8 को, अगर इसको ए वेक्टर मानूं जाने वाली कंडीशन को, इसको बी वेक्टर मानूं, तो जब ए प्लस बी होगा तो वो कितना होगा भाई, 2 मीटर होगा या नहीं होगा, इससे नहीं समझ में आया, इससे देखो। अब इसमें देखो एक चीज़, यानी अगर इस कंडीशन से कोई दो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो जुड़ती है तो वो वेक्टर होंगी, अगर वो सीधे जुड़ती है तो वो वेक्टर नहीं है। ठीक है, या दो कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो अगर इस टाइप से जुड़ेगी तो वो वेक्टर मानी जाएगी। जैसे ये अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी, डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट है
कितना ए से बी वही 4 मीटर चला, 3 मीटर चला, ठीक है। अब 4 और 3 दोनों ऐड किस टाइप से होंगे, भी डिस्टेंस तो इसका 7 मीटर है, ऐड किस टाइप से होंगे, ऐड होंगे, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर कंडीशन, ठीक है, जिसके बेस के ऊपर इसकी वैल्यू निकाली जाती है, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। आगे समझो, यानी डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, ऐसे, यानी दो कंडीशन, दो ये किस टाइप से जुड़ रही है, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ के अनुसार जुड़ रही है, डिस्टेंस में तो सीधी जुड़ रही है ना, वेक्टर में किस टाइप से जुड़ रही है, जब डिस्टेंस निकाले तो सीधी जुड़ दी, वेक्टर में जोड़ेंगे तो इनका ट्रायंगल लॉ लगता है जिसके अकॉर्डिंग ये 5 मीटर आती है। डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ, इसकी इस साइड, डायरेक्शन भी अलग होगी, ठीक है। ये हो गया अपना ओबीज वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, इसको और डिस्क्राइब करेंगे अपन, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, एडिशन करेंगे ना जब वेक्टर का, उसके अंदर समझोगे आप। अभी आप ये याद रखो कि जो दूसरा पॉइंट देखो इसका क्या होता है, फिर समझोगे कि ये जो है दीज आर एडेड इन जनरल वे, ये सीधे जोड़ी जा सकती है, ये आपने देखा, चार और तीन मिल के सात हो गए। ये क्या होंगी, ये किस टाइप से ऐड होंगी, दीज आर एडेड बाय स्पेसिफिक रूल, दीज आर एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, ये तो सीधे ऐड होंगी, ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन के अनुसार ऐड होंगी, जैसे आपने देखा। अब वेक्टर रूल ऑफ एडिशन बहुत टाइप की है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, वो अपन करेंगे आगे, ठीक है, जब अपना अगला लेक्चर होगा उसके अंदर यही चलेगा, अपना सारा यही चलना है, उसके अंदर समझ जाओगे क्या कहना चाहता हूँ। अभी आप डिफरेंस याद रखने के लिए इतनी चीज़ें याद करो, ठीक है। तो इसमें सिर्फ याद क्या रखना है कि जो वेक्टर होंगे वो वेक्टर तभी कहलाएंगे जब वो एक रूल के अनुसार जुड़ेंगे, अगर आपने उनको सीधा जोड़ दिया तो वो वेक्टर नहीं कहलाएंगे, ठीक है, और सीधा आप जोड़ भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। सारे फैक्टर कौन कौन से, डायरेक्शन, है ना। अब देखो भी इतना पढ़ लिया, आगे देखो क्या बोला है, आगे बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर देख लेते हैं, देख ले, चलो देखो कि अगर किसी वेक्टर को 2π एंगल से रोटेट कर दें, 2π एंगल से क्या कर दें, रोटेट कर दिया जाए, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी ये वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर, इस वेक्टर को 2π चेंज कर दिया, यानी अपना सर्कल के अंदर लाके ये एंगल कितना बड़ा, 2π, इस सर्कल में घुमा के ये कहाँ से कहाँ आ गया, इसी डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, डायरेक्शन चेंज होनी थी, वो डायरेक्शन भी क्या होगी, उसने वापस गेन कर ली 2π घूम के, यानी 2π रोटेशन से वेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं होती, 2π से वेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं होती। सेकंड है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, अगर कोई वेक्टर इस टाइप से है, यहां 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इस वेक्टर को अपने ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, अभी अगर ये यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाए तो इस वेक्टर को यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, अगर ये ऐसे वेक्टर है तो इसको यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, भी सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला नहीं है, रोल करता है डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, यहाँ पे जैसे हुआ, इसे बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्यों जरूरी है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अंदर जरूरी है ऐड करने के लिए, देखे हुए अभी देखना भी जरूरी क्यों है, तीसरा कि भाई दो एंगल है, दो ट्रायंगल, दो वेक्टर है, दो
उनको अपन कैसे शो करते हैं, पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देख लो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये चलो एक बार छोड़ो, एक बार ये बीच में एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। अगर ए कोई अपनी फिजिकल क्वांटिटी है और वह वेक्टर है, तो उसको दिखाने के लिए उसके ऊपर या तो लगा दो एरो का निशान, या उसको क्या लिखो, बोल्ड लेटर के अंदर। कैसा? बोल्ड लेटर के अंदर। ये भी क्या होगा अपना, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। दोनों टाइप से लिख सकते हैं, या तो बोल्ड लिखो या उसके ऊपर वेक्टर लिखो, एरो का निशान लगाओ। ये एरो का जो निशान होता है, इसका जो हेड होता है ये टेल होगी, इसकी जो ये लेंथ है एरो की, ये शो करती है मैग्नीट्यूड को, और जो इसका हेड है ये शो करता है डायरेक्शन को। यानी ये एरो का निशान ये किसको शो करता है? डायरेक्शन को, ठीक है। अगर इस वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर दो चीज़ें होगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों में से एक चेंज हो गया तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी, वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगी। यानी ए इज फॉर्म्ड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को शो किया, ए का जो मैग्नीट्यूड होगा उसे लिखते हैं इस टाइप से, ठीक है। ए को मैग्नीट्यूड को किस टाइप से लिखते हैं? इस टाइप से। ये होता है ए का मैग्नीट्यूड। ये जो दो लाइंस होते हैं इनको बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। जैसे अपने पास ये है 5 न्यूटन फोर्स है, तो इसका जब एफ है, इसका मोड निकालोगे तो क्या बताओगे? वी कितना है? 5 है। 5 न्यूटन इन ईस्ट बोल दो, तो अब इसका मोड कितना? 5। ये इस टाइप से भी हो सकता है कि -5 न्यूटन इन ईस्ट हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि माइनस शो करता है डायरेक्शन की, डायरेक्शन को। जैसे इन ईस्ट की जगह यहाँ पे लिखा होता माइनस इन एक्स एक्सिस, कि -5 न्यूटन है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर 5 न्यूटन पीछे है, -5। वो उसकी डायरेक्शन को शो करता है, वो उसके मैग्नीट्यूड को शो नहीं करता, वो किसको शो करता है? डायरेक्शन। इस कंडीशन में भी जब इसका मोड निकाला जाएगा तो वो कितना आएगा? 5 ही आएगा। मोड का मतलब होता है कि इसके अंदर अगर माइनस की भी क्वांटिटी है तो वो बाहर किसकी देगा? प्लस की देगा। अगर माइनस एफ है, कितना है? माइनस एफ, तो बाहर भी वो क्या देगा? प्लस एफ देगा। मोड का काम ये होता है, अंदर माइनस की चीज़ है तो वो बाहर उसको क्या बना के देगा? प्लस की देगा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो अपन उसको -5 नहीं लिखेंगे, उसका मोड कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अगर वो माइनस की है भी तो मोड उसको प्लस करके बनाएगा, ठीक है, क्योंकि चल तो वो 5 ही रहा है ना, एक्स एक्सिस पे 5 पीछे चला है, -5। लेंथ उसने कितनी की है? 5 सेंटीमीटर। माइनस तो ये शो कर रहा है कि पीछे की है, माइनस एक्स एक्सिस की होती है। लेंथ तो उसकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। लेंथ माइनस थोड़ी होगी, डायरेक्शन तो माइनस डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये था अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जिसके अंदर ये शो करता है मैग्नीट्यूड को। चलो ठीक है, अब देखो, अब इसका तीसरा जो अपन करने वाले हैं, तीसरा है कि ये कहता है कि पहली बात तो कि जो दो वेक्टर होंगे जो ऐड होंगे वो हमेशा टेल टू टेल होंगे, उनकी टेल मिलेगी तभी वो ऐड होंगे, तभी वो क्या होंगे? ऐड होंगे, ठीक है। अगर दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं, उनको ऐड करना है, ठीक है, तो उनके बीच का एंगल कौन सा लिया जाए? कि दो वेक्टर के बीच का जो शॉर्ट स्मॉलेस्ट एंगल होता है, दो वेक्टर के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल, इनके बीच में एंगल कितना है? ये अगर ए वेक्टर का हूँ, ये बी वेक्टर को हूँ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? इनके बीच में दो एंगल है, एक तो ये थीटा और ये के बाद 360 डिग्री माइनस थीटा, दोनों क्या है? एंगल है ना, ठीक है। तो जो उनका स्मॉलेस्ट एंगल लिया जाता है वो इस रेंज का होना चाहिए, 0 डिग्री इक्वल टू थीटा इक्वल टू 180,
यानी अगर ये दो वेक्टर है, ठीक है, पहली बात तो टेल होंगी तभी ऐड होंगे, ठीक है, टेल पे होंगे तभी उनका बीच का एंगल निकलेगा, दोनों की टेल मिलेगी तो हेड मिलेगी, एक की हेड और एक का टेल मिलेगा नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब दोनों के बीच का एंगल कौन सा लेना है आपको, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा लेना है अभी, एक तो ये है और एक ये है, अगर इसको मैं 60 मानूं तो बार वाला कितना होगा अभी 300 वाला इस रेंज के अंदर है क्या, इसके अंदर तो 180 से छोटा और 180 के इक्वल होना चाहिए, तो एंगल कौन सा लेंगे अभी, ये लेंगे, ठीक है। जैसे अब इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है, कितना है 120, तो कौन सा लेंगे, बाद वाला 240 या 120 लेंगे। अब इसके अंदर एक चीज़ देखो, दोनों की हेड मिल रही है क्या, दोनों की टेल मिल रही है क्या, इसकी हेड और इसका टेल मिल रहा है, तो ये ऐड नहीं होंगे, जब उनको ऐड किया जाता है पहली बात तो उनके बीच में एंगल पता होना चाहिए, एडिशन करेंगे तो दो वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इनके बीच का एंगल किनके बीच का है, इसकी हेड और इसकी टेल के बीच का, तो अपने को क्या करना होगा अभी, इनकी टेल से टेल मिलानी होगी, तो टेल से टेल मिलानी होगी, तो आपने अभी यही पढ़ा है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो ये इस टाइप से बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, कहाँ से कहाँ लाए, ये एंगल कितना 120, ये टोटल कितना 180, ये कितना बनेगा 60, पता चला क्या पैरेलल शिफ्टिंग क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि एडिशन करने के लिए, क्यों करने के लिए, ऐड करने के लिए दो को, तो जब दो वेक्टर ऐड किए जाएंगे तो उनके बीच का एंगल स्मॉलेस्ट एंगल लेना चाहिए जो इस रेंज का होना चाहिए, अगर टेल टू टेल मिलेंगे तभी अपन एंगल निकालेंगे, अगर वैसा नहीं हो रहा है तो अपन पैरेलल शिफ्टिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखो, ये थी अपने प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, कुछ देखी जो एडिशन में काम आएंगी। अब आपने एक चीज़ पढ़ी थी, याद दिला दो थोड़ी बीच में वापस, थोड़े टॉपिक आगे पीछे हो रहे हैं लेकिन फिर भी याद देखना, साथ में एक बार पॉज करके देख लेना, कि बीच में मैंने बताया कि जो स्केलर होगा उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन ज़रूरी नहीं। फिर मैंने बताया कि वेक्टर है उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब एक नोट डालो कि जिसके पास डायरेक्शन है, जिस जो वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन ज़रूर होगी, अगर कोई वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन ज़रूर होगी, लेकिन जिसके पास डायरेक्शन है वो उसके पास वो वेक्टर होना ज़रूरी नहीं, लेकिन जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर होना ज़रूरी नहीं, जिसके पास वेक्टर है, जो वेक्टर है खुद फिजिकल क्वांटिटी, उसके पास डायरेक्शन होगी, लेकिन जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर होना ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल लेके चलो, एग्जांपल चलो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बता सकते हो किस एक्सिस पे जाना है, अगर वायर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर रखें तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन होगी या नहीं होगी, कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कौन करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अगर इसको एक्स एक्सिस पे रखा जाए और बोला जाए इस एक्स एक्सिस के ऊपर अपनी वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, तो उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस होगी या नहीं होगी, होगी, ठीक है। लेकिन मैंने तीसरा रूल बताया था वेक्टर होने के लिए, कि वो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन के अनुसार ऐड हो, सीधे ऐड ना हो। तो अगर मान लो ये 5 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 10 एम्पियर करंट आ रहा है, तो बाहर जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, अभी 15 एम्पियर जाएगा। अब यहाँ पे ये 15 एम्पियर टोटल हो रहा है, इनके बीच का एंगल मेंटेन नहीं करा, जैसे इस टाइप से बनाया जाए, इस साइड से 5 आया, इस साइड से 10, बना कितना 15, इनके बीच का एंगल का इसने ध्यान दिया क्या, नहीं दिया।
इसके बीच का एंगल नहीं ध्यान दिया इसने, तो ये क्या कर रहा है, वेक्टर के तीसरे रूल जो क्या था अपना, कि जो वेक्टर है वो वेक्टर रूल के अनुसार ही ऐड होने चाहिए, उसका पालन नहीं कर रहा। अब उसका पालन नहीं करेगा तो मतलब क्या है, ये वेक्टर नहीं है, जबकि इसके पास क्या है, डायरेक्शन उपलब्ध है। इसके पास डायरेक्शन होते हुए भी क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना कि फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसी टाइप से अपना प्रेशर होगा, प्रेशर में भी यही होता है, प्रेशर किससे मिलके बना होता है, फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स अपना क्या होता है भाई, वेक्टर। फोर्स अपना क्या है भाई, वेक्टर। फोर्स वेक्टर होते हुए भी क्या है, प्रेशर वेक्टर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वेक्टर रूल के अनुसार ऐड नहीं होता। आगे समझ में। तो इस टाइप की जो क्वांटिटीज होती है उनको बोला जाता है टेंसर क्वांटिटी। क्या बोला जाता है भाई, तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की, स्केलर वेक्टर टेंसर। टेंसर आएगी बीएससी फाइनल के अंदर है शायद, मैथमेटिकल फिजिक्स जो लगेगी उसके अंदर, अभी आपके कोई रोल नहीं है। बस टेंसर ये याद रखो कि जो थर्ड टाइप की जो होती है उसे क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। अब टाइप ऑफ वेक्टर देख लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं फिर टाइम लिमिटेड है। टाइप ऑफ वेक्टर पहला आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे अपने पास ये दो फिजिकल वेक्टर है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, 5 न्यूटन इन ईस्ट 5 न्यूटन इन ईस्ट, दोनों पैरेलल है, ठीक है। दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इनको क्या बोलेंगे, इक्वल। बाद में आता है पैरेलल, पैरेलल वेक्टर, जैसे ये हो गया और ये हो गया, तो दोनों वेक्टर पैरेलल चले, चाहे उनका मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं, इसके अंदर मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है और इसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन सेम होने जरूरी है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंटी पैरेलल होता है, एक होता है एंटी पैरेलल जिसके अंदर एक इस साइड जाए और एक क्या जाए, इस साइड, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे भाई, एंटी पैरेलल, ठीक है। आगे देखो, एक होता है नेगेटिव वेक्टर, कि अगर ए है दैट इज 5 न्यूटन इन ईस्ट और जो बी है दैट इज 5 न्यूटन इन वेस्ट, यानी इस डायरेक्शन से है, ये 5 न्यूटन ईस्ट के अंदर है और ये 5 न्यूटन वेस्ट के अंदर है, तो इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कंपलसरी है ये चीज़ तो। लेकिन ए वेक्टर इट इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड तो सेम है पर उसकी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, अपोजिट है, तो इस कंडीशन में क्या लगेगा अभी, ये लगेगा। आगे समझ, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। और ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस कंडीशन से, जीरो। एंटी पैरेलल पढ़ लिया, अब आते हैं कोलीनियर। कोलीनियर होता है वो क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर, जैसे ये दो वेक्टर है, बी वेक्टर ए वेक्टर, ये होते हैं एक कोलीनियर। कोप्लेनर, जैसे कोप्लेनर होते हैं एक ही प्लेन के अंदर, एक ही प्लेन के अंदर अगर ये दो वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर, तो जब दो वेक्टर होंगे, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन के अंदर होंगे, दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन के अंदर होंगे। अगर दो वेक्टर इस साइड है तो वो हमेशा एक ही प्लेन में, कौन से, एक्स वाई में भी हो सकते हैं, एक्स जेड वाई जेड कोई से में भी। लेकिन जब तीन वेक्टर आ जाए, तो तीन वेक्टर है वो एक प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे अगर इसको सी नाम दे दूँ तो एक प्लेन में ही है एक्स वाई, लेकिन इस टाइप से भी हो सकता है, ये सी यहाँ पे भी हो सकता है, तब ये एक प्लेन में नहीं रहते। ठीक है, तो ये था अपना एक कॉन्क्यूरेंट, और पढ़ लो कॉन्क्यूरेंट होती है।